जोधपुर के सूरसागर में शाम को हुई पत्थरबाजी से माहौल बिगड़ गया। दो समुदायों के आमने सामने होने से यह मामला हुआ। इस दौरान यहां पर खड़े वाहनों में कुछ लोगों ने आग लगा दी। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ युवकों को पकड़ा है। वहीं पर यह भी जानकारी मिली है कि कुछ युवकों ने घर में घुस करके महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की। यहां फिलहाल पुलिस और आरएसी की टुकड़ी तैनात कर दी गई है और पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, महापौर घनश्याम ओझा और प्रशासन शांति स्थापित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। वहीं पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से शांति की अपील की है, साथ में डीजीपी को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस मामले की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं दयाल सिंह। दयाल, आखिर बताएं कि वहां पर जो एक घटनाक्रम हुआ है उसमें क्या कारण सामने आए हैं? देखिए, बताना चाहता हूँ कि आज रामनवमी के दिन झांकी निकली थी जोधपुर में। रामनवमी का जुलूस था, उसकी झांकी से वापस जा रही थी। जब एक झांकी जा रही थी तो उसमें पत्थरबाजी होगी। उसके बाद दो समुदाय सामने हो गए जिसमें करीब 2 से 3 लोग घायल हुए हैं और 1-2 पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही बताता हूँ कि फिलहाल जो है स्थिति तनावपूर्ण है। आरएसी और पुलिस अधिकारी मौके पर है, परंतु जोधपुर के ये जो सूरसागर थाना है वह घिराव कर रखा है लोगों ने। साथ ही जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है वो भी मौके पर आया, लोगों से समझाइश का प्रयास किया और उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर है। कमिश्नर जोधपुर विजय जॉर्ज जासो जो है वो मौके पर है, स्थिति को नियंत्रण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने दो अधिकारी से बात करने की और बताना चाहूंगा कि घटनास्थल पर 2 मोपेड को आग लगा दी गई थी और घरों में घुसकर पत्थरबाजी हुई। बड़े बड़े पत्थर घरवा फेंके गए, बच्चों के साथ मारपीट हुई, महिलाओं के साथ मारपीट हुई। इस घटना के बाद ऐसी घटना 2-3 दिन पहले भी हुई थी जिसकी पुलिस को सूचना दी थी और जिस लोगों ने उस दौरान गलती की थी उनका सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराया गया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और जिसके चलते आज फिर ये दंगा भड़का है। जरा आपने बताइए, पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिली थी, उसके बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है, इस पर पुलिस अधिकारी का क्या कहना है कि आखिर उनके पास ये जानकारी आने के बावजूद भी उन्होंने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? बताना चाहूंगा जिस तरह से फुटेज 2 दिन पहले के लोगों ने उपलब्ध कराया था और जिसके यहाँ घटना हुई थी उसने उपलब्ध कराया था, उसका आरोप है उसी व्यक्ति के घर में आज तोड़फोड़ हुई है। उसी का पड़ोसी है, वो तोड़फोड़ की है और उसी ने किया और उसको लेकर पुलिस अभी किसी 1-2 लोगों को लेकर आई है, उनसे पूछताछ कर रही है और प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ये जो दंगा भड़का है क्यों भड़का है। जरा अगर बात की जाए तो आज के त्योहार के मौके पर भी पुलिस का पूरी तरह से जाप्ता एक तैनात किया गया था, सुरक्षा को लेकर भी ध्यान दिया गया था। कहा कि ये प्रशासनिक कमी रही, पुलिस प्रशासनिक कमी रही, क्योंकि जब 3 दिन पहले एक छोटी घटना होती है और उस दौरान जो ये आशंका बन गई थी कि कुछ हो सकता है और लोगों ने आशंका पुलिस के सामने जाहिर भी कर दी थी कि ऐसा हो सकता है और घटना घट सकती है, तो पुलिस ने कोई एहतियात नहीं बरता और ना ही वहाँ मौके पर कोई जाप्ता तैनात रखा, जिसके चलते ये घटना हुई और लोगों के घरों में जाकर लोगों ने मारपीट की, महिलाओं के साथ मारपीट की, बच्चों के साथ मारपीट की और घरों के सामान को तोड़ दिया और घरों में रख के बाइक बाहर निकालकर मोपेड बाहर निकालकर आग लगा दी गई। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये पूरी तरह से प्रशासन की कमी इसमें थी। दयाल, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से वहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है? रामनवमी के मौके पर पुलिस की तरफ से पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद थी, उसके बाद भी इस तरह की घटना होना ये दर्शाता है कि प्रशासन की सुरक्षा में बड़ी चूक रही है। उससे पहले भी, जब कुछ दिन पहले भी इस तरह की घटना सामने आई थी, इसका अंदेशा पुलिस को लग गया था, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने इस तरह की घटना को रोकने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए और इस घटना ने आज बड़ा रूप ले लिया। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।